में लेके आ गई हूँ लाइव गोज ऑन अली मार्के का सॉन्ग, जिसकी बहुत डिमांड थी। पहले मेरे को लगा था शायद मैंने ये सुना होगा सॉन्ग, बट शायद मैंने ये सॉन्ग नहीं सुना है। अली मार्के के काफ़ी सॉन्ग मैंने सुन लिए हैं, चैनल वाला डिलीट हो चुका है तो मेरे को पता नहीं है। अभी देखते हैं, अगर मैंने इसमें रिएक्ट पहले किया होगा तो फिर अभी नहीं करेंगे, सुन लेते हैं, याद तो मुझे आ ही जाएगा सुनते सुनते ना। तो बिना किसी बकलोले के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या होने वाला है। 3, 2, 1 एंड गो। वीडियो होने वाली है इसमें, वीडियो नहीं है इसमें। कर दिया था पिछले हफ्ते, सुकून नहीं मिलता, शायद कर जाऊं मैं अब इन सबसे, जब से पैदा हुआ तब से ही मैं। एक तो इनकी आवाज इतनी तगड़ी है ना, सुनते ही गूज़बम्प्स आते हैं यार। रखो आवाज तेज करते हैं थोड़ा। कर दिया था पिछले हफ्ते, सुकून नहीं मिलता, शायद कर जाऊं मैं अब इन सबसे, जब से पैदा हुआ तब से ही मैं डीट हूँ। आजा मेरी जान तुझे सारी अपनी चीज दूँ, ये रख दो पैसे तुझे जरूरत पे काम आएंगे, ये ले जा गाड़ी तेरे दोस्त तुझे मान जाएंगे, ये रख मोबाइल अगर आईफोन का शौक तुझे, ये चार गाली देके समझते हैं खौफ मुझे, मतलब मैं मांगू मैं बस रिश्ता इतना पक्का के, कल कोई अनजान मुझे सड़क पे भी धक्का दे तो उसको धो दे और बोल यहाँ से चलता बन, ऐसे रिश्तों से तो मेरा कभी भी नहीं बढ़ता मन, नहीं बढ़ता मन, अगर रिश्तों में ये वैसा ना हो, वरना मजबूरन शायद कल को कभी ऐसा ना हो, मुझे गिराने के ही कल को तुझे लाख मिले, तुझे आता मुझे आसमान पे बाग मिले, पहले इंसान बिके फिर यहाँ ईमान बिके, कागज पे मैंने पूरी इंडस्ट्री के दाम लिखे, वो मुझे बोले कुछ नहीं होना तेरा इंडस्ट्री में, वन ऑफ द फाइनेस्ट में क्यों उन्हें मेरा नाम दिखे, ऑर्गेनाइजर्स फोन करे इवेंट कराना है, मेरा काम तुम्हें सिर्फ पैसे बताना है, बाकी इवेंट के सारे लांजे तेरी जिम्मेदारी है, मैं पैसे कम नहीं करता तो ये कहते हैं इसके बारी है, बारी तो होंगे छोटे कला कोई मजाक नहीं है, आर्टिस्ट के लिए साला बजट इनके पास नहीं है, अली भाई चले 20-25 में डन करते, समझ मेरी जान मुझे 30-35 भी कम पड़ दे, समझ रहा ना ये मेरा धंधा नहीं है, पर आर्ट से पैसे ना कमाऊं ये जमता नहीं है, वो पूछे सबसे क्यों तुम इतना दूर रहते हो, क्योंकि मेरी तरह कोई भी खुले मन का नहीं है, धूल के पीछे भागा बेचैनियों में रातें जागा, अपनों से लड़के अक्सर बंद कमरों में गाने गाता, रिश्तों में प्यार नहीं देखा मैंने परम ज्यादा, रातें घर से बाहर तो फिर खाना कैसे गर्म खाता, अपनों से लड़के अक्सर बंद कमरों में गाने गाता, रिश्तों में प्यार नहीं देखा मैंने परम ज्यादा, रातें घर से बाहर तो फिर खाना कैसे गर्म खाता, तू मुझे समझ पाता अगर होता मेरी जगह, भरम के चक्कर में तू इतनी भी मत देरी करना, के कल को मौत आया मांग ना भाई माफी, तू आजा मेरे गले लग मैं अब भी तेरे पास ही हूँ, ये तेरी बैग के लिए मैं राजी नहीं हूँ, मैं पूरा खेल कोई छोटी मोटी बाजी नहीं हूँ, तू अच्छा रह पा रहा है भाई, तू मुझसे बेहतर है भाई, पर उंगली मत उठा मेरे पे तेरा माजी नहीं हूँ, कितना बताऊँ कि मैं थक चुका, अनगिनत सालों में थक चुका, नहीं होती मुझसे ये बहसबाजी, मेरे दिल से ज्यादा मेरा सर दुखा, मत आगे मांग मुझसे माफी, हाँ मेरे दिल में जो था मैंने गा दिया, भाई ये तो भाई बन के रहना भाई, क्यों भरते हर बात पे तुम मामिया, मुझे चल जाता पता कौन चाट रहा है, मेरा मुश्किलों से रिश्ता घाट घाट का है, हाँ तूने जिंदगी में जीने के तरीके तो है सीखे, बस अलीगो से क्यों रखा इतना फासला है, हाँ लिखा जाएगा सादा आई सजेस्ट यू मेरे पीछे बोल, एक ही जीता हम में से, हम सब का मिल के जीते बोल, कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही जितनी मेरी गीते खोल, अनाहारी जंगे तो मैं बोलना सीखा मीठे बोल, सीधे बोल के तू फैन नहीं है मेरा, तू मैसेज करता ताकि गाना शेयर कर दूं तेरा, अगर फैन होता मेरा तो ना फायदे के लिए चीखता, टैलेंट मेरी जान नहीं मोहताज किसी पीक का, गानों से नहीं मतलब इन्हें मतलब मेरे व्यूज से, 2-3 हजार होते तो ये घंटा भी नहीं पूछते, बनते मेरे आगे जैसे धुले हुए दूध से, मेरा एक ही खुदा तुम इंसानों को क्यों पूछते, माँ कसम गाइस मेरे मुंह खड़े हो गए यार, मतलब सब खेल व्यूज का ही है, 2-3 हजार व्यूज होता है कोई नहीं पूछता है भाई, सही बात है। बाट के रोज जमाने से लूटते हैं, ऑडियो से बाप तो क्या होगा वीडियो शूट पे, जितना भी लंबा हो हम सर पे तेरे कूदते हैं, मर्जी के मालिक अपन चलते हैं अपने मूड पे, वाओ बढ़िया यार,
वाओ भाई, इनके सॉन्ग्स का ऐसा मन करता है ना भाई, चलते रहे बंद ना हो, चलते रहे। एंड पता है एक अलग सी बात है, इनके गानों में जब मैं रिएक्ट करती हूँ मेरी आंखें बंद हो जाती है यार, मतलब मैं खो जाती हूँ, मन करता है मैं सुनती रहूँ, क्योंकि एक एक लाइन इतनी डीप होती है ना, मन करता है उसको सुनने का, समझने का, बस चुपचाप सुनती रहूँ, खुद ही आओ वाओ वाह ऐसे निकल जाता है यार, मैं चाहती नहीं हूँ ये हो जाता है। और बहुत ही बढ़िया है, इसमें इतनी अच्छी अच्छी लाइन्स है ना, मतलब वाव है, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है यार ये। मैंने ये नहीं सुना था पहले, मेरे को लगा मैंने सुना होगा, बाकी काफ़ी सॉन्ग तो इनके मैंने सुने बट ये वाला नहीं सुना था। गाइज ऐसे इनके और गाने बताओ, इनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, मतलब जो ये लिखते हैं ना लाइन्स की जो मीनिंग होती है बहुत अच्छा लगता है सुनने में, मतलब लाइन्स ऐसी होती है कि सुनी हुई होती है बट इनके मुँह से जो जो आती है ना वाव लगती है। तो अभी आप लोग बताओ आपको कैसा लगा, मैंने कुछ मिस किया तो बताओ, अपनी फेवरेट लाइन बताओ, काफ़ी अच्छी अच्छी लाइन्स है इसमें, बाकी आप लोग बताना ठीक है। फिलहाल के लिए वीडियो को एंड करते हैं, होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।